गुड मॉर्निंग भाई। आज से एक सीरीज स्टार्ट होगी जिसमें अब मैं सीजल 23 को टारगेट करूंगा और आपको सबसे टारगेट दूंगा कि मैंने क्या पढ़ाई किया है और आपको भी वही पढ़ना है। जो भी मेरे साथ सीजल 23 का टारगेट कर रहे हैं मेरे साथ लगे रहिएगा। डन। अब स्टैटिक जीके पढ़ेंगे, ठीक है? एक घंटे तक इसे स्टैटिक जीके पढ़ेंगे। लंच टाइम हो गया, लंच के लिए जा रहे हैं और 1 से 3 का तो ऐसा कुछ होता नहीं है, 2 बजे तक आ जाएंगे, 2:30 बजे तक, क्योंकि टाइम को यूज़ करना है। जो बचा कुचा काम होगा उसको कर लेंगे ताकि शाम में जल्दी छूट सकें, नहीं तो शाम में अगर काम हो जाता है तो 7, 7:30, 8 बज जाते हैं। तो उसके लिए मुझे आज 3 बजे ना जाकर 2 बजे जाना होगा और पेंडिंग काम ख़त्म करने होंगे। लंच कुछ नहीं बनाया, ये कॉर्नफ्लेक्स भी नहीं खा पाया था मैं सुबह, क्योंकि सुबह टाइम नहीं मिला था। और कुछ बर्तन भी गंदे हैं तो पहले बर्तन साफ करेंगे, दाल चावल बनाएंगे, खाएंगे, फिर जाएंगे। फ्लैटमेट आ गया और फ्लैटमेट खाना बना रहा है, इसीलिए मुझे लगता है कि मेरे पास 20-25 मिनट का टाइम बचा हुआ है तो सुबह जो जीके पढ़े थे उसको रिवाइज़ करेंगे। सबसे ज़्यादा सुकून का जगह ये मेरे लिए है, यहाँ मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता और दिमाग अलर्ट इसलिए रहता है कि बगल में एक खाई है। देखो तो इसलिए मैं यहाँ बैठता हूँ। 2:30 बज गया, ऑफिस आ गया। मैं ये वीडियो आप लोग को इसलिए दे रहा हूँ ना, सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि मैं ऑफिस में इतना काम करते हुए भी पढ़ाई कर रहा हूँ। तो जो आप लोगों का काम सिर्फ एक ही है, जो सिर्फ तैयारी करना है, तो आप लोग मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। साथ बने रहिए, बस साथ मिलकर करेंगे। ऑफिस से आने में 7 बज गया भाई, 6:45। तो फटाफट जो भी है खाना खुना का करना है, रोटी सेकना होता है मुझे, तो रोटी सेकेंगे, उसके बाद फिर पढ़ेंगे, फिर मैं बताऊंगा क्या पढ़ रहा हूँ। तो भाई लोग रोटी बन गई और 7:30 बज रहे हैं अभी, तो 7:30 से 8:30 या 9:30 तक पढ़ाई करेंगे 2 घंटे, क्योंकि पूरे दिन काम किया हूँ ऑफिस में तो दिमाग थक भी गया है, तो कोशिश करूँगा कि 2 घंटे पढ़ाई करूँ। और इसमें मैं GS बाई विपिन क्लासेस, विपिन सर जो पढ़ाते हैं आपको GS यूट्यूब पे, उनके वीडियोस बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट करके पढ़ाते हैं ऑप्शन से, तो वहाँ से ना स्टैटिक जी के बहुत ही ज़्यादा कंठस्थ होता है और बहुत सारे एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चन तैयार होते हैं। तो मैं उनको फॉलो करता हूँ, तो मैं अब उनके वीडियोज़ को 2 घंटे तक देखूँगा जीके के लिए। मैं जीके को इतना ज़्यादा तवज्जो इसलिए दे रहा हूँ कि जीके सबसे कमज़ोर सब्जेक्ट रहा है मेरा शुरू से, और पैटर्न चेंज होने की वजह से मुझे जीके पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग तो मैं कर लूँगा, इंग्लिश भी कर लूँगा, बट जीके के लिए मुझे ज़्यादा एफर्ट करना है, इसलिए मैं जीके पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। तो GS बाई विपिन गोयल सर का जो यूट्यूब पर चैनल है, मैं उसी से पढ़ाई करूँगा, आप भी उसको देख सकते हैं, अच्छा चैनल है, वो अच्छी चीज़ें देते हैं, वो अच्छा मटेरियल अच्छा देते हैं। और बाकी मैं आपको ये वीडियो इसलिए दिखा रहा हूँ, मेरा ये डेली रूटीन है, मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं ऑफिस के साथ इतना काम कर सकता हूँ, तो आप लोग बिना ऑफिस जाते हुए भी घर पे अपनी तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं और इस बार सीजल 23 में 100% अपना एक सीट सिक्योर कर सकते हैं। ऐसी डेली की रूटीन रहेगा मेरा सीजल 2023 तक। मुझे नहीं लगता कि डेली ऐसा मैं आपको ब्लॉग दे पाऊँगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि हर 2-3 दिन पर आपको एक ब्लॉग ऐसा दे दूँ। लेकिन हाँ,
आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा जो सीजल एलेक्जियर बाई के है, जिसमें मैं हर रोज़ वो ज़रूर डालूंगा कि आज मैंने क्या टारगेट बनाया और क्या पढ़ाई की है। ठीक है, बाकी अभी चलते हैं, वीडियो देखेंगे, वीडियो देखने के बाद खाएंगे, खाना खा के सोएंगे, बहुत थक गया हूँ। चलो बाय। खाना खा लिया भाई और 9:30 बज गए, सोना पड़ेगा क्योंकि बहुत दिमाग थक गया है। एक तो दिमाग घूम रहा है और ऑफिस में बहुत सारा काम भी था। सुबह 4, 4:30 या 5 बजे से उठाऊँ मैं, तो सोएंगे। आज वीडियो को यहीं एंड करेंगे। ये वीडियो का एम यही है कि आप लोग समझे कि मैं नौकरी के साथ भी पढ़ सकता हूँ, तो आप लोग घर पे बैठे हुए भी तैयारी कर सकते हैं, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। एम्पल टाइम बचा हुआ है सीजल 2023 के लिए, दम के पढ़ाई करो, लग के करो, सीट ले जाओ और सब बढ़िया हो जाएगा। गुड नाइट।